हेलो स्टूडेंट, गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी मानव शरीर में कितने हड्डियाँ होता है। देर आर 206 बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने हड्डियाँ होते हैं? 206। ये बोन को किस तरीके से बांटा गया है? एक्सियल बोन और एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन में रहता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज। स्कल के अंदर क्या होता है? क्रेनियल बोन। ये क्रेनियल बोन कितने होते हैं? 8। क्रेनियल बोन कितने होते हैं? 8। फ्रंटल 1, पेराइटल 2, ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 2, स्फेनॉइड 1, इथमॉइड 1, ये सभी बोन मिलकर 8 क्रेनियल बोन का निर्माण करता है। कितना? 8 क्रेनियल बोन। अब हम आगे देखते हैं फेसियल बोन। ये भी स्कल का ही पार्ट है। अब फेसियल बोन 14 होता है। कितना होता है? 14। जाइगोमेटिक बोन 2, नेजल बोन 2, प्लेटाइन बोन 2, इन्फेरियर नेजल कॉन्की 2, लैक्रिमल बोन 2, मैक्सिलरी या फिर मैक्सिला 2, मैंडिबल 1, वॉमर बोन 1। इस तरह से थर्ड हुआ हायर्ड बोन एबोव द लैरिंग्स में होता है, ये होता है 1। इधर एयर ऑसिकल्स 3 इन ईच एयर, प्रत्येक एयर में तीन तीन होता है, और इनका नाम क्या है? मेलस, इनकस, स्टेप्स। ये मिलकर कितने होते हैं? 6। और शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन होता है? स्टेप्स। अब आगे देखते हैं थोरेसिक केज, जो थोरेक्स का निर्माण करता है। इसमें कितने हड्डियां होता है? स्टर्नम 1, रिब्स 24, जो 12 पेयर में होता है, यानी 12 जोड़ा में होता है। इसको तीन भाग बांटा गया, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स में 7 पेयर होता है, फॉल्स रिब्स में 8th, 9th और 10th पेयर्स होता है, यानी कि 3 पेयर्स होता है लोग। उसके बाद आपका फ्लोटिंग रिब्स 11 और 12th पेयर को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। वर्क टू प्रोटेक्ट किडनी, इसका काम क्या है? किडनी का प्रोटेक्ट करना। किसका? फ्लोटिंग रिब्स का। इस तरह से 12 पेयर्स रिब्स को तीन भाग बांटा गया, ट्रू रिब्स 7 पेयर, फॉल्स रिब्स 8th, 9th, 10th पेयर को फॉल्स रिब्स बोलते हैं और फ्लोटिंग रिब्स 11th और 12th पेयर बोलते हैं। 1 से 7 पेयर तक को ट्रू रिब्स बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्री के केस में 33 होता है। कितना होता है? वर्टिब्री के केस में 33 होता है। लेकिन यदि बोला जाए वर्टिब्रल बोन, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल बोन कितना होता है, तो 26 बोन होता है। सर्वाइकल वर्टिब्री या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, डोर्सल या थोरेसिक वर्टिब्रा 12, लंबर वर्टिब्रा 5, सैक्रम वर्टिब्रा या फिर सैक्रल वर्टिब्रा आपका 5 होता है, लेकिन फ्यूज होकर 1 काउंट किया जाता है बोन के केस में। कोसिक्स 4 होता है, फ्यूज होकर 1 गिना जाता है, 1 गिना जाता है बोन के केस में। इस तरह से हम यहाँ जानते हैं कि वर्टिब्रा के केस में यदि पूछा जाए कि वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा कितना है, तो 33, लेकिन बोन केस में बोला कि वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल बोन कितने हैं, तो 26। इस तरह से एक्सियल बोन का निर्माण होता है, 18 एक्सियल बोन होता है। अब हम आगे देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन में किसको रहा है? शोल्डर गार्डियल, जिसको हम पेक्टोरल गार्डियल बोलते हैं, अपर लिम्स, पेल्विक गार्डियल और लोअर लिम्स। शोल्डर गार्डियल, अपर लिम्स, पेल्विक गार्डियल और लोअर लिम्स। शोल्डर गार्डियल्स में क्लेविकल 2 यानी कि लेफ्ट और राइट, स्केपुला 2 लेफ्ट और राइट में। अपर एक्सट्रीमिटीज यानी अपर लिम्स बोथ, दोनों साइड लेफ्ट राइट में, ह्यूमरस 2, अल्ना 2, रेडियस 2, कार्पेल्स 16, मेटाकार्पेल्स 10, फ्लेंजेज 28, यानी कि 14-14 करके होता है। और इस फ्लेंजेज को किस तरह से, जिसको उंगली का हड्डी बोलते हैं, 2-3-3-3-3, यानी कि आपका थंब में हो गया 2, इंडेक्स फिंगर में 3,
मिडिल फिंगर में 3, रिंग फिंगर में 3 और लिटिल फिंगर में 3, इस तरह से 14 बोन होता है। और इस हैंड में और 14 को दोनों हैंड डिवाइड करें कितना हो 28, 14 2 28। अब हम आगे देखते हैं पेल्विक गार्डियल। पेल्विक गार्डियल में इन नॉमिनेट बोन 2 होता है, जिसको बांटा गया है इलियम, इसियम और पुबिस में। लोअर एक्सट्रीमिटी जिसको लोअर लिम्स बोलते हैं, बोथ में फीमर 2, फिबुला 2, टिबिया 2, पेटेला 2, टॉर्सल 14, मेटाटॉर्सल 10 और फेलेंजेज 28, और 14 14 ईच में होता है। इसका भी इसी तरह से होता है 2 3 3 3 3। यानी टो में 2 होता है। उसके बाद आपका इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर 3 3 हड्डी होता है। ये टोटल हड्डी कितना हुआ 14 14 2 28, फ्लेंजेज कितना हुआ 28 बोन। इस तरह से टोटल अपेंडिकुलर बोन कितना हुआ 126 और एक्सियल बोन कितना हुआ 80, दोनों मिलकर कितना हुआ 206 बोन होता है। अब हम देखते हैं आगे कार्पेल। कार्पेल बोन रिस्ट ज्वाइंट का निर्माण करता है और इच कार्पेल यानी प्रत्येक कार्पेल में 8 बोन होता है। ठीक, तो 8 बोन का नाम क्या है? स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वाइट्रल, फिजिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, केपिटेट और हमेट। इन सभी का याद रखने का तरीका है शॉर्ट में SLTP TTCH, यानी S फॉर स्केफॉइड, L फॉर लूनेट, T फॉर ट्राइक्वाइट्रल, P फॉर फिजिफॉर्म, फिर T फॉर ट्रेपेजियम, T फॉर ट्रेपेजॉइड, C फॉर केपिटेट और H फॉर हमेट। अब हम आगे देखते हैं टॉर्सल। टॉर्सल एंकल जॉइंट का निर्माण करता है और ये कितने बोन होते हैं 7 ईच में, प्रत्येक में। तो 7 बोन किस तरह होता है? टॉलस, नेविकुलर, केनिफॉर्म। ये केनिफॉर्म जो बोन होता है ये 3 होता है, यानी 3 बोन केनिफॉर्म होता है जो मीडियल सीरीज में होता है, कैल्केनियम और क्यूबॉइड। टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 और केनिफॉर्म 3 4 3 7। इसको याद करने का तरीका है TNC3CC, T4 टालस, N4 नेविकुलर, C3 4 केनिफॉर्म 3 है और C4 कैल्केनियम और C4 क्यूबॉइड। इस तरह से हम टालस बोन को याद रखते हैं। अब हम देखते हैं 206 किस तरह से काउंट किया गया है। अस्कल में कितना बोन हुआ 29, 8 हो गया क्रेनियल बोन, 14 हो गया फेशियल बोन, 6 हो गया एरोसिकल जिसको बोलते हैं मेलस इनकस स्टेप्स, और 1 हो गया हायर्ड बोन। वर्टिब्री हो गया 26, अस्टर्नम हो गया 1, रिब्स हो गया 24, शोल्डर गार्डियल हो गया जिसको पेक्टोरल गार्डियल बोलते हैं 4, अपर लिम्स हो गया 30 × 2 60। इस तरह से पेल्विक गार्डियल 2 हो गया 1+1 जिसको इननोमिनेट बोन बोलते हैं, और लोअर लिम्स में 30 × 2 16। इस तरह से टोटल बोन ह्यूमन बॉडी कितना है 206। इस तरह से हम आज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़े और हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन गुड स्टडी चैनल।